नमस्कार धार न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश सोनवानिया और जिस डैम से हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बार बार अपडेट खबरें दिखा रहे थे, अब जो हम आपको सीधी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, ये डैम जो है ये फूट चुका है। यहाँ के प्रशासन ने, यहाँ की तकनीकी टीम ने जो है डैम को जो है छोटा सा एक नाली बनाई थी, एक केनाल बनाई थी। उनका प्लान था कि वन सेंटीमीटर पानी पड़े निकलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी जो है धीरे धीरे डैम ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है और डैम की जो दीवार है वो पानी के बहाव से कटना शुरू हो गई है और लाखों गैलन पानी बहुत ही स्पीड से जो है गांवों की ओर घुसना शुरू हो गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से जो है पानी ने अपना विकराल रूप ले लिया है और पानी जो है छोटी और निचली बस्तियों में घुस रहा है। तो आप धार न्यूज पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से ये डैम जो है अपना विकराल रूप लेता जा रहा है। तो धार न्यूज पर हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हम आपको पल पल की खबरें दिखा रहे थे। ये जो नजारा देख रहे हैं आप, ये पानी की जो स्पीड है, जिस तरह से गांव गांव में ये पानी घुस रहा है, देख लीजिए ये पूरा भावरपुरा डैम और डैम है जो जो है जो तो तस्वीरें आपको हम धार न्यूज पर दिखा रहे हैं किस तरह से डैम जो है अपना विकराल रूप धारण कर चुका है, किस तरह से गांव में पानी घुस रहा है। धार न्यूज पर हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए जो कि हम पल पल की अपडेट आपको दिखा रहे थे किस तरह से, ये देखिए पूरा पानी ही पानी होते जा रहा है क्योंकि हजारों गैलन पानी इस डैम में भरा हुआ है और इस डैम के अंदर जो है बड़ा सा एक तरह से छोटा सा एक केनाल बनाई गई थी, लेकिन उस केनाल ने बहुत बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं ये डैम है और डैम का किनारे से हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से जो है ये डैम के अंदर जो है गैप बनता गया है। और ये देखिए यहाँ पर से एक छोटा सा केनाल बनाया गया था, ये केनाल की जो दीवार है धीरे धीरे ये कटती गई और डैम ने अपना विकराल रूप धारण, ये लाखों गैलन पानी जो है इस डैम में भरा हुआ, आप देख सकते हैं ये किस तरह से पूरे डैम पे पानी भरा हुआ है और ये डैम ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। धार न्यूज पर हम आपको सीधी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये डैम का दूसरा हिस्सा जहाँ पर की ये जो है कंपनी के यहाँ पर जो है बेस कैंप बना हुआ था, यहाँ पर जो डैम का है सिल्यू वाल से यहाँ पर पानी निकालने की कोशिश की गई थी और यहाँ पर टेक्निकल टीम ने काम किया और एक छोटी केनाल बनाई गई थी, लेकिन वो केनाल जो है उसने अपना विकराल रूप धारण कर लिया और ये जिस तरह से डैम का पानी पूरी तरह से बाहर होने लगा है, हजारों गैलन पानी जो यहाँ से स्पीड से निकलना शुरू हो गया है और ये गांव जो है डूबने की कागार पे है, गांव में पानी घुसा है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम एसडीआरएफ की टीमें जो है यहाँ मौजूद थी और उन्होंने गांव खाली करा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कुछ लोग वहाँ थे, हालांकि पुलिस ने और प्रशासन ने। धार न्यूज पर सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं जिस तरह से डैम जा रहा है, ये डैम जिस तरह से धड़क रहा है, बहुत ही विकराल रूप ले रहा है। ये डैम की दीवारें टूटना शुरू हो गई है, पूरी तरह से दीवार की दीवार टूटना शुरू हो गई है, पूरा विकराल रूप ले चुकी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ये डैम टूटने की कागार पर है, पूरे डैम के ऊपर जो पूरा लोड आ गया, पानी का बहाव शुरू हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से जो है ये डैम पूरा टूटने की कागार पे आ गया है, जिसमें लाखों गैलन पानी अभी इस डैम में भरा हुआ है, पानी ने अपना विकराल रूप ले लिया है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से डैम धीरे 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 अपना विकराल रूप ले रखा है पानी कटने के बाद। धार न्यूज पर हम आप सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं सारे जिले के प्रशासन अधिकारी, जिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद है, पूरा मीडिया यहाँ पर मौजूद है, देख सकते हैं, और डैम ने अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है और जगह जगह से उसकी मिट्टियाँ गिरना शुरू हो गई है, जगह जगह से उसकी दीवारें क्रैक मार रही है। धार न्यूज पर आप सीधी देख सकते हैं कोशिश की जा रही है किस तरह से चल रहा है, ये देखिए ये धस रहा है डैम, पानी का बहाव तेज होते जा रहा है और ये विकराल कारण